बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स जो कि आप जर्मनी में कर सकते हो, जिनमें पैसा काफी अच्छा मिलता है, तो टैक्स नहीं कटता उन पे, जो सबसे बड़ा फायदा है। हाँ, ये तो है। क्या आप पढ़ भी रहे हो, आपकी डिग्री भी चल रही है बड़ी अच्छी, और साथ साथ आप घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हो, तो ये आई थिंक मोस्ट लोगों का एम भी यही होता है। फुलफिलमेंट सेंटर है घेरा, वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करती है, वहाँ वो ज्यादा दे रहे हैं, पाकिस्तानी रुपीज में काफी सारी बन रही है। फिर इधर आके लगा कि दो दिन काम करोगे तो आपकी वो फी निकल जाएगी पूरे सेमेस्टर की। इससे जो बड़ा बेनिफिट है इसका कि आपको जर्मनी रिक्वायर्ड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंदर एमआर पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं खिजर। वालेकुम अस्सलाम खिजर। इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल डिस्कस हो रहे हैं, पैसा और पैसा बड़ा ही अहम होता है, स्पेशली जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो। फाइनेंस हैंडल करना, पैसे कमाना, कहाँ से कमाने हैं, क्यों, कौन सी अच्छी जॉब है जो आप कर सकते हो, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स जो कि आप जर्मनी में कर सकते हो, जिनमें पैसा काफ़ी अच्छा मिलता है। वैसे तो आपको डिफरेंट पार्ट टाइम जॉब्स का पता होगा, यहाँ पे फैक्ट्रीज में करते हैं, अमेजोन हो गया, फावे हो गया, तो पैसे कहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, मेनली वो डिस्कस करेंगे। पहले तो आप बताओ कि कहाँ कहाँ पे जॉब की थी खुद आपने। मैंने जो सबसे पहली जॉब की थी, और लकीली मैंने वो अपनी बर्थडे वाले दिन सबसे पहले आगे शुरू की थी 15th of December में, वो थी यहाँ पे DPD है, जो कि एक सॉर्टिंग का काम है, पैसे सामान उठाया, नीचे रखा, सॉर्ट किया। तो वो जॉब थी मेरी प्रोडक्शन में, वो मैं मिनी जॉब कर रहा था। तो उसके बाद कैफे में कुछ मैनेजमेंट की जॉब की है मैंने एक, वो ईजी थी मतलब कम्पेयर टू उस जॉब के, लेकिन सीन ये था कि उसमें रिक्वायर्ड थी जर्मन, बट मेरा शेफ अच्छा था, उसने मुझे रख लिया, कहता काम कर रहा है लड़का, तो ठीक है। बाकी जहाँ तक आवाम का सवाल है, फावे लगा रही हैं ये गाड़ियों की जॉब। फावे वो फॉक्सवैगन, इंग्लिश में VW होता है, जर्मन में फावे कहते हैं, तो वो फावे। हाँ, उसके मिनी जॉब्स के तो 450 € आपको मिल रहे होंगे पर मंथ। हाँ, एक्चुअली वो डिपेंड करता है आपके उस पे आवर्स, वर्किंग आवर्स, मतलब 42 hours 43 लगाते हो, वो आपको कभी कभी 5-10 भी सेंड कर देते हैं, 520 भी, तो वर्किंग आवर्स कंसीडर कर रहे होते हैं, तो टैक्स नहीं कटता उन पे, जो सबसे बड़ा फायदा है। हाँ, ये तो है। अभी आप जो जॉब कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा बताओ। दूसरा, ये जो फावे का जिक्र किया, इसमें पर मंथ कितनी अर्निंग हो जाती है कुछ स्टूडेंट अगर करता है तो? अभी तो मैं लगा रहा हूँ अमेजोन, काफ़ी सारे स्टूडेंट आगे कर रहे होते हैं। सबसे जो बड़ा बेनिफिट है इसका कि आपको जर्मन नहीं रिक्वायर्ड, उसमें आप एक आपकी इंग्लिश भी चलती है, और आपको गाइड करने के लिए जो आपकी सुपरविजन में होते हैं मैनेजमेंट में, वो आपको इंग्लिश में। कोई ये नहीं कहेगा कि यार जर्मन नहीं आती तो चलो हम जॉब नहीं देंगे, हर कोई वहाँ पे इंग्लिश बोल भी रहा होता है, और उन्होंने इवन रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन किया होता है कि आपको जर्मन नहीं चाहिए, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में हम आपको दे देंगे जॉब। तो दूसरा ये कि काम थोड़ा जल्दी सीख जाता है वो बंदा, इतना कुछ मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन ये कि कंटिन्यूसली वो 7 से 8 घंटे की शिफ्ट होती है, काम लगातार करना पड़ता है, थकावट तो दरम्यान में ये बात है, दरम्यान में आधे घंटे की ब्रेक होगी तो, लेकिन वो काम चलता ही रहता है, थकती है आवाम, छोड़ती है फिर इस वजह से। और फावे का जहाँ तक है, वो आवाम अभी दे रही है सबसे, जो इस टाइम इधर इस एरिया में जो हार्ली वेजेस हैं फावे की सबसे ज्यादा है, इंक्लूड करके नाइट शिफ्ट, जैसा कि उसमें 25% एक्स्ट्रा पे करते हैं। ये हम टीयू कैबिनेट्स में अभी उसकी बात कर रहे हैं। तो ये 19.25 आई थिंक इस सीजन में पे कर रहे हैं पर आवर, मतलब 19.25 अच्छा खासा बन जाता है, 4000 तक, 4-5000। ये अगर हमारे स्टूडेंट्स लगाते हैं इवन की 3 से 4 मंथ भी, तो वो 10,000 euro से ऊपर चले जाते हैं, टैक्स वगैरह काट के सब कुछ, मतलब 3 महीने में आप तकरीबन 10,000 euro मतलब आपके सारे ब्लॉक अकाउंट, 3 से 4 मंथ में इतने आराम से कमा लेते हैं, मतलब 3 महीने फुल टाइम जॉब करो तो आपका सारा ब्लॉक अकाउंट का खर्चा निकल यही बात है। तो वो जो अगले नेक्स्ट ईयर टैक्स वगैरह निकाल के, टैक्स वगैरह निकाल जो इन हैंड आपको सैलरी आ रही है वो इतनी ज़्यादा आ रही है, तो मतलब यहाँ पे आ जाओ। मुझे खिजर याद है, खिजर ने, मैंने जैसे पहले बताया कि हमने प्रोसेस वगैरह अप्लाई किया था, तो खिजर का यहाँ पे एडमिशन हुआ, तो खिजर का सबसे पहले ये था कि मुनीब भाई ब्लॉक अकाउंट का क्या सीन होगा ना, तो वो क्योंकि पहले साल का, तो खिजर का भी बात सही है कि पहले साल की तो बंदा कर लेता है, लेकिन अगले साल अगर मुझे पेरेंट्स से 10,000 euro मांगने पड़े ना, वो नहीं हो पाएगा, तो मुनीब भाई उसका क्या चक्कर है। तो मैंने खिजर को ये कहा था, एक दफ़ा आ तो जाओ यहाँ पे, यहाँ पे तुम जो तुम्हें लग रहा है ना 10,000 euro बहुत बड़ी अमाउंट है, वो 3-4 महीने में सारी रिकवर हो जाती है, क्योंकि वो कन्वर्ट करके देख रहे होते हैं ना। हाँ, पाकिस्तानी पैसे में, इवन के जैसा कि मैंने यूनिवर्सिटी की जो फी थी ना, पब्लिक यूनिवर्सिटीज की कंट्रीब्यूशन होती है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, तो वो भी मुझे लग रहा था यार ये तो पाकिस्तानी रुपीस में काफी सारी बन रही है, फिर इधर आके लगा कि दो दिन काम करोगे तो आपकी वो फी निकल जाएगी, फीस भी निकल पूरे सेमेस्टर की, तो ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है। बट अगेन मैं उस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकता हूँ जो ज्यादा लग रही होती है, इसलिए कि आज तक से पहले आप जर्मनी आए नहीं होते हो, और पाकिस्तान में इतने पैसे भी कमाना, पूरी लाइक महीने की आपकी सैलरी होती है जितनी आप यहाँ पे एक दो दिन में कमा लेते हो, तो वो बात
मेरे ख्याल से ठीक है, स्टूडेंट को फिकर जेन्युइन फिकर चाहिए, होनी भी चाहिए, फैमिली का पैसा लेके आती है आवाम काफी। हाँ, बट ये फिकर नहीं होनी चाहिए कि आपको अगले साल भी चाहिए होंगे और आप यहाँ कमा नहीं पाओगे या जॉब नहीं लगेंगे आपको। इवन चाहे आप छोटी सिटी में आ रहे हो चाहे बड़ी सिटी में आ रहे हो, आपको पैसे कमाने में मसले नहीं आएंगे। कुछ स्टूडेंट तो भेजते भी हैं पैसे वो फैमिली को दे के और बाकी बचा के भी भेजते हैं घर, और वो अक्सर कह रहे होते हैं सीनियर के जो सुकून उसमें आता है ना, जो मजा घर वालों को पैसे भेजने में। क्या पढ़ भी रहे हो, आपकी डिग्री भी चल रही है बड़ी अच्छी और साथ साथ आप घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हो। तो आई थिंक मोस्ट लोगों का एम भी यही होता है, स्पेशली बैचलर्स करने के बाद ना जब मास्टर लेवल पे आते हैं हमें खुद से होता है यार अब इतने बड़े हो गए कि कुछ घर वालों की भी सपोर्ट हो जाए। क्योंकि इन स्टूडेंट्स को भी हम देख रहे होते हैं ना, जर्मन स्टूडेंट्स को वो भी अपनी अर्निंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल हाँ, तो उनको देखे थोड़ा और बंदे की हाई होती है। नहीं खैर जर्मन स्टूडेंट तो पार्टी करते हैं, वो अम्मा पापा को नहीं देते बिल्कुल, लेकिन हमारा सीन होता है कि नहीं यार देने और देना भी चाहिए यार, अच्छी बात होती है। पेरेंट्स इतनी स्ट्रगल करके यहाँ पे भेजते हैं, हमें भी ख्याल रखना चाहिए ऑब्वियसली उनका। सबसे फिट जॉब हमने क्या सीखा, एक तो फावे में अमेजोन में कितना अच्छा आप रहे हो आप। अमेजोन काम दे रहे हैं एक्चुअली, अमेजोन में कुछ थर्ड पार्टी हायरिंग होती है जो तो बोनसेस भी खाते हैं हमारे, वो तो काफी काम देते हैं लाइक 12-13 यूरो पर डायरेक्टली। अगर अमेजोन जाओ वो ज्यादा मिलेगा, वो ज्यादा उनके बोनसेस वगैरह आते रहते हैं। फिर अमेजोन में ये सीन है कि जो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं लाइक जो फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं इस तरह से, हमारे पास एक थुलिंगा स्टेट है उसका फुलफिलमेंट सेंटर है घेरा, वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करती है वहाँ, वो ज्यादा दे रहे हैं कम्पेयर टू जिधर मैं कर रहा हूँ लाइब्रेरी। वहाँ पे ये है कि हम थर्ड पार्टी के थ्रू जा रहे हैं तो वो थोड़ा कम पे करते हैं, वो थोड़ा कम तो है। ये सीन है अमेजोन में। फायदा वही है कि इंग्लिश में आप जॉब कर रहे हो, इतनी टेंशन नहीं है, जर्मन अगर नहीं आती तो मैनेजमेंट ऊपर जो है आपको सारा कुछ बताती है और इतना कुछ काम नहीं है। फावे में जर्मन चाहिए, फावे में जर्मन रिक्वायर्ड है, लेकिन आई थिंक वो बोलने की हद तक थोड़ी बहुत आती हो तो हो जाती है। मेरा एक और दोस्त है वो कहता था मेरी A1 नहीं हुई थी अभी, लेकिन जाके मैंने थोड़ी बहुत बात की जर्मन में, उन्होंने दे दी। बस ये देखते हैं जर्मन आपकी थोड़ी माड़ी भी है वो रिक्वायर्ड तो है लेकिन चल जाती है थोड़ी बहुत जाके विलिंगनेस दिखा दो कि शायसे वैसे बोल दो, काम भी कर रहा है बंदा। हाँ वो बॉयज कहते हैं यार ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा बाबे ही होते हैं परमानेंट एम्प्लॉय तो शेफ वगैरह, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है जी चल जाएगा गुजारा। आई होप टॉपिक आपका बहुत से लोगों की हेल्प आउट करेगा। फिजर थैंक यू इस पे थोड़ा बताने के लिए, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन अगेन कोई बंदा जो कर रहा हो ना वो वाले काम और पैसे आ रहे हो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट जाता है, स्पेशली कोई स्टूडेंट अगर आपको बोले। पहले मैं जब स्टूडेंट था मेरी ब्लॉग चैनल नहीं था तब तो मैंने ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया जब जॉब लग गई थी ना, तो अपने एक्सपीरियंसेस मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस। मेरा फावे का मुझे पता नहीं था इतने अच्छे पैसे मिलते हैं, वरना पार्ट टाइम मैं वहीं लगाता फावे, क्योंकि अभी मैंने खुद भी नहीं ज्वाइन की क्योंकि पेपर्स आ रहे हैं आगे हमारा समर 20। इरादा है करोगे? इरादा अगस्त में है, अगस्त में, क्योंकि अगर पाकिस्तान जाना है तो वर्क स्टूडेंट से पहले ये करके थोड़ा ब्लॉक अमाउंट पैसे कमा के। ठीक है जी, टाइम भी हो गया, घंटी भी बच गई है, बच गई है। हाँ तो इंशाल्लाह आपको अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, उम्मीद है ये वाला आपको पसंद आया होगा। आया तो डू लाइक इट, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, चलो जो जैसे भी बोल दिया लेकिन करें करें इसको फैलाएं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।